Thank you.
हेलो 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 हेलो। हाँ, मैं यहाँ इस पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, हेलो 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 आप बैठे हैं? हाँ, मतलब बैठा हूँ। आप बैठेंगे ना? हाँ, बैठूंगा ही अभी। तो ठीक है। क्या आप वहां बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे, आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट में वहां छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ, बस थोड़ी देर की बात है, फिर आप वहां सो जाइएगा। अरे बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हो। देखो, मैंने गले गले तक ठूस कर खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। नहीं कर सकता ना, क्यों? उल्टी करना यहाँ के नियमों के खिलाफ है। अरे बताओ, अब आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। अरे जब आप पर उल्टी कर दूंगा तब देखता हूं कितनी आजादी की बातें करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं डरा नहीं रहा हूं। मैं तो देखिए देखिए, मुझे पसीना आने लगा है, तो बस कुछ ही देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे। और फिर भी अगर मैंने खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है, और तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना कर रहे हैं आप? बाहर बच गए हम दोनों। बैठो तुम भी यहां पर, वहां छाया आ जाएगी तो मैं ही वहां चला जाऊंगा। धन्यवाद। सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। मैं बैठ पाने की हालत में भी नहीं हूं, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। आपको पता नहीं, मैंने आज सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे, अरे मान जाइए ना। क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर ही लेट जाइएगा, सीधे बैठिए ना, सीधे। बैठा रहा तो उल्टी हो जाएगी, फिर आप कहीं भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, करो तुम यहां पर। धन्यवाद।
माचिस हैं आपके पास? ये माचिस माचिस है, सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है ऐसा? इधर उधर लिखना भी अलाउड नहीं। अच्छा, आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? आपने अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार दी है, जरूर सरकारी मुलाजिम होंगे। ठीक पहचाना ना, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम? मैं सो चुका हूँ। मैं अगर अभी जाकर आपकी शिकायत लगा दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूँ। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं रोज इसे बाहर से देखते हुए निकल जाता था। सोचो, रास्ते में पार्क है पर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। मैं आने लगा हूं, यूं समझिए कि आदत सी लग गई है। अच्छा है ये पार्क, छोटा सा। क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क कैसे होते हैं। जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह बैठे हैं, इसीलिए शायद आपको यह पार्क अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा टहल लीजिए, पीछे की तरफ देखिए, हिरन खरगोश सब है यहाँ। मुझे अच्छा, आप पीछे की तरफ हो आए हैं तभी नाराज है। मुझे भी पार्क का बस यही हिस्सा अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा है, हिरन और खरगोश बस। और हिरन भी काहे के हिरन, गाय जैसे दिखते हैं। सच, ऐसे कोई हिरन होते हैं? जब देखो जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं, गाय है ये। मतलब एकदम गाय जैसे भी नहीं दिखते, बछड़े जैसे लगते हैं। गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए? हाँ, बस वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं, वो तो आपको चूहे जैसे दिखते होंगे। नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे दिखते हैं। मगर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश बंदर तो होते नहीं, जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है, आप क्या कहते? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। उन्हें खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों को काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बंदरों को पार्क में कोई खुला छोड़ता है? यहां तो हिरन को भी। आपने मुझे बंदर कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं संगीत और साइंस का टीचर हूं सामने की स्कूल में। और अपनी उम्र तो देखिए, मुझे लगा आप कुछ परेशान है तो आपसे बात करूं, पर आप तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं।
आप, मैं चाहूं तो अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं। एक कोई है, कोई है? ए, ए, चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप। लोग क्या सो रहे हैं, देख नहीं रहा? माफ करना पर उन्होंने मुझे बंदर कहा। आप बंदर है क्या? नहीं। फिर क्यों बुरा मान रहे हो? अरे लेकिन, अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, बंदर बंदर आप नहीं है ना? बात खत्म हो गई, बस आप सोने। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे कि पहले इस पार्क में दोपहर को जवान लोगों को आना मना था। सही था क्यों, आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूं। मैं तो खुद यहां आता हूं कि दोपहर को थोड़ी देर उस पीपल के पेड़ की छाया तले बैठूंगा। और क्या आपने मुझसे कुछ कहा? क्या मैंने कहा? सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूं। सुना आपने? सुना, सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जहां बैठे हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। तीन तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ यहीं इस जगह पर, इसमें क्या खास बात है? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है वही आपको वहां से भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखने को है भी क्या? वो सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, पर बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने नजर नहीं आती है। हाँ, मुझे वो सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिखाई दे रही है जो आपको वहां से नहीं दिख रही होगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप यहाँ आ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए उठिए। मैं क्यों उठूं? नहीं, जो भी आता मुझे मेरी जगह से उठा देता। आप जाइए, आप जाइए अपनी जगह पर, मुझे नहीं बैठना है। तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें आसमान में दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर मुझे यहाँ इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। मैं पता है वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है इस जगह पर। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे। बैठते तो तुम अपनी ही कुर्सी पर थे ना। ये क्या बात हुई है? अरे कौन से स्कूल में पढ़े हो, उदाहरण नहीं समझते? ये कैसा उदाहरण है? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, अब तुम संबंध की बात कर रहे हो तो ये बताओ, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब क्या तुम यहीं पैदा हुए हो? नहीं। तो फिर मेरा हक ज्यादा बनता है इस जगह पर। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। अगर ये बात है तो मैं भी इस देश में पैदा हुआ हूँ, उस हिसाब से मेरा बराबर का हक बनता है। पर मैं तुमसे पहले इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज्यादा है। हिंदू हूँ। अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्यों, बोलती बंद हो गई? अब क्या आप मेरे कम हिंदू होने पे मुझे मारेंगे? रहने दो, ये गांधी पार्क है। पता है ये तीनों बेंच जिन्होंने इस पार्क को दान की थी वो केलकर है, पंडित हरि केलकर। हाँ तो? और मैं उस गांव का हूं। मी पुण्या शिकलो है, मतलब मराठी है। तो क्या काय झाला, तुला मराठी येत नाही का? उस गांव का तेंदुलकर। मराठी आती नहीं है और मुझसे बहस कर रहे हो। मेरी माँ मराठी नहीं थी पर पिताजी मराठी थे, मेरे बचपन में ही चल बसे।
सो मैं मराठी नहीं जानता हूँ, पर मैं मराठी हूँ, मेरा ज्यादा हक है बस। काय कराचे तेकर, मी इकडून उठणार नाही। हाँ? मैं नहीं उठूंगा। जब तुम यहां आए होगे तो दोनों बेंच खाली होगी। तीनों खाली थी। तो तुम यहां इनसे भी पहले आए हो? अरे मैं यहां से नहीं उठूंगा। तो तुम वहीं बैठे रहोगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने में बैठे हो। इसका मतलब? इसका मतलब कि मैं पागल हूं? नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है। डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना हमेशा मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चों? बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ो, पकड़ा गए ना, अब मान लो। मैं क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा। तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? आपको जो समझना है समझो। अच्छा ये सुनो, तुम यहां पहली बार आए हो, तुम यहां के नहीं हो, तुम बाहर किसी गांव से आए हो, तो बताओ ये तीनों बातें सही है? ये तो एक ही बात हुई ना। अरे रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहां तुम उछलो कूदो बच्चे बन जाओ। बोलो सही है? बकवास। तुम एक निहायत ही जिद्दी आदमी हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। अब बोलो सही है? बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो, जिससे तुम भगवान से बदला ले सको। यार तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है? तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। बस यार, बस आ रही है? अरे क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? एक बात तो सही कही होगी, एक एक भी नहीं। एक बात सही कही। हाँ कौन सी? वो वाली, वो कौन सी? कौन वाली? नहीं नहीं वो वाली, वो कॉकरोच वाली। नहीं वो कॉकरोच और भगवान के बाद कौन सी बात? सुसाइड वाली। नहीं यार वो कॉकरोच और भगवान के बाद कौन सी बात कही थी? अरे कौन सी, अरे कौन सी, कौन सी यार, कौन सी बात सही है बता दो और बात खत्म करो। सच तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। अरे कौन सी बात सही है, कौन सी? मुझे एक बीमारी है। ठीक है उसे एक बीमारी है कह दिया ना उसने, सुन लिया तुमने, एक बीमारी है, बात खत्म। अब चुप रहना, मैं सो रहा हूं। बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं इसीलिए मैंने कहा कि आपकी आधी बात सही है। कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी? अब आप क्यों उठ गए? अरे कौन सी बीमारी है,
कौन सी बता दो और बात खत्म करो। मुझे मुझे दिमाग की बीमारी है। और उस बीमारी का नाम? बस बुलिया, उसे दिमाग की बीमारी है, दिमाग की। अब अगर तुमने एक भी सवाल और पूछा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एकदम चुप। मुझे लगता है कि मैं ना जीनियस हूं। ठीक है मैं समझ गया। जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे ना, और जब तक तुम पूरा कह नहीं दोगे, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। अरे बोलो जल्दी से और सब कुछ बोल दो। मैंने कह दिया बस कि तुम जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है। मैं पूछूं एक सवाल? पूछो। अरे कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहां नहीं है। दिग्भ्रम या हेलुसिनेशन? अच्छा, तो ये कैसे शुरू हुआ था ये दिग्भ्रम? हाँ, ये कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था उस रात जब मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाके छुप गया। 2 दिन और 2 रात मैं उनको लेकर वहीं ही बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था और मैं वो रोड ही नहीं क्रॉस कर पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका वहां का सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। एक रात मैंने उस दुकान की छेद में से झांक के देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह से। तब ये हुआ, मुझे पहली बार मुझे बुखार आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। और मैंने देखा कि ये सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। मुझे लगने लगा कि अभी कहीं से उनके माँ बाप निकल कर आएंगे और सबको डांट लगा कर कहेंगे कि चलो बहुत रात हो गई है, बंद करो ये खेल, और सब बच्चे खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मारा है, वो भी जो मरे कटे पड़े हुए हैं। सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं तो एक डॉक्टर को भी दिखाने गया था बहुत पहले, तो उसने ये शब्द कहे कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जीनियस हैं? तो मुझे लगा हाँ हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, शायद यही मेरी बीमारी है। तब से इलाज चल रहा मेरा। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़कर किसी और से ये बात कही तो अच्छा लग रहा है। उन लोगों की बातों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है।
आदमी वहां सो रहा था, तुमने उसे भी भगा दिया बस वहां बैठे रहने की जिद में। अरे रहने दो, अब माफी मत मांगना मुझसे, पहले ही एक बार माफ कर चुका, बेशर्म कहीं के। अरे अजीब शैतान हो, कम से कम देख तो लो कि वो बेचारा कहां गया है। स्कूल में कभी पढ़ा नहीं कि यहां पढ़ने का नाटक कर रहे हो? सुनिए भाई साहब, आ जाइए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कैसे हो तुम? उठो, उठो मेरी जगह से। अरे रुको, अरे रुको, मेरी जगह से, मेरी जगह। उठो यार, क्या कर रहे हो? ये क्या जबरदस्ती में बाहर से हमारे गांव में घुसा और हमें हमारी जगह से उठा रहे हो? हटो, हटो यहां से, हटो, हटो, हट। तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? ये मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर और यहाँ बैठने दो, बस थोड़ी देर और। अरे नहीं हटो, ये क्या पाले? अरे यार फिर से शुरू हो गए, हटो, हटो यार। मैं गया था आपको बुलाने के लिए, मेरे जाते ही ये मेरी जगह बैठ गए। इतने बेशरम कि उठने का नाम नहीं ले रहे। दोनों इस तरफ चलो, चलो। और आपको क्या न्योता देना पड़ेगा? मैं भी? जी हाँ, आप चलो। दोनों ने लड़ लड़ के मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या है इस जगह में ऐसा? तीन बेंच है, वो भी एक जैसी और एक ही तरफ मुंह करके रखी हुई है, और सामने भी बस बस एक पेड़ है, और क्या है इस जगह में ऐसा है? तो इस जगह के ये फायदे हैं? क्या 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 फायदे हैं? आप जो समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। इसके अलावा क्या समझा जा सकता है? आप ही बता दो, हम वही समझ लेंगे। चली गई, चली गई, चली गई। अरे अभी वापस आएगी, अभी उसने सिर्फ अपने बालों को धोया है, अभी वो उसे शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी और फिर वापस आएगी। ही, आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आ रही है मुझे, मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं ऐसा ही टीचर हूँ, बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे स्कूल से। क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह बैठना चाहता हूँ? दोष है कि आप इस जगह बैठकर उन्हें तार रहे हैं, जो एक तरीके से लड़की छेड़ना है। अरे लड़की छेड़ना? आपका चेहरा गीला क्यों है? ये मैं नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों है? ठीक है, मैं आपको पूरी बात बताता हूं।
पर अगर इस बात को सुनने के बाद भी आपको ये लगे कि ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, और अगर नहीं तो ये जगह मेरी। बोलो मंजूर? मैं अपनी जगह। ये देखो आप। अरे तुम पहले अपनी बात तो बताओ। ठीक है, वह सामने वाले घर में रहती है, यहां सिर्फ इस जगह से उसके घर की बालकनी दिखती है। वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। अपनी स्कूल की गणित की टीचर के साथ? अरे आप पूरी बात तो सुनेंगे, मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहां आया करता था। एक दिन मैं यहां बैठा हुआ था, बहुत भीड़ थी उस दिन पार्क में, वरना मैं कभी यहां नहीं बैठता था। बात पर आओ ना। वही बता रहा हूं, उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर नहाने के बाद बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे उड़ते हुए सीधे मेरे चेहरे पर आए, जबकि उस दिन तो हवा भी नहीं थी। मैं सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, और उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहां आने लगा, पर वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना तो बाएं, वह उसके बालों से निकलकर सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, मैंने बता दिया, बस यही है, और इसकी मुझे आदत लगी हुई है। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं, यही तो एक चीज है जिसके कारण खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूं, वरना टीचर ही करते दिन तो गुजर ही रहे हैं। अब बताओ, क्या यह लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं है। तुम इन्हें अपनी जगह दे दो। इस जगह से इनका इतिहास जुड़ा है, और हम दोनों इस बात के गवाह हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका, जगह उनकी। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। पर वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं, और मेरे हाथ में डंडा भी है। आप ही ने मुझे यह अधिकार दिया हुआ, फैसला करो। सो मैं कर रहा हूं फैसला। जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। वकील साहब, और कुछ है आपके पास कहने को? वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया था, और आप कसर गए। और अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप किससे कहानियां बनाकर मुझे इस जगह से भी, मतलब इस घर से भी निकाल रहे हैं। अरे ये पार्क है, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रहे हैं ये। यार टीचर हो, उदाहरण नहीं समझते क्या होता है? अरे तुम मेरी जगह लेने की सोचता भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जब ये देखिए, ये फिर से मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं ये। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। देखो ये गांधी पार्क है। सॉरी। कोर्ट से कहीं के? ठीक है, मैं आपको ये जगह तो दूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। पर अगर आप इस जगह के लिए इतने ही पगला रहे ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर ये कुंभकर्ण महाशय अपनी जगह, हाँ जी हाँ,
अगर ये अपनी जगह मुझे दे दें तो मैं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं वहीं आके बैठा था। अब फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना। ये तो एकदम ठीक है, चलिए उठिए। पहले आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। देखिए भाई, ये तो सारी समस्या ही सुलझ गई, उठिए। देखो, मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जरा सोचने दो। इसमें सोचना क्या है, सीधी बात तो है। बात जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी नहीं है। मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से एतराज है। अरे भाई, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा है, आपको बस इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। फिर आप मुझे वहां से भी उठा देंगे, फिर कहेंगे इधर आ जाओ, मुझे वहां बैठ जाने दो। हाँ, मतलब पहले वहां फिर यहाँ, मतलब आप लोगों की वजह से मैं अपनी जगह से दो बार उठाया जाऊंगा। अरे पर ये क्यों नहीं मान लेते, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है, मतलब पहले वो फिर ये। कैसे मान लूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी जगह है बस। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। इस पार्क में हम तीन हैं, तीन बेंच रखी है, कोई कहीं भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है। आपने तो बस इसे एक मुद्दा बना लिया है और इस सब में मैं पिस रहा हूँ। आपको तो बस सिर्फ यहाँ समय काटना है, पर मेरे लिए ये जगह जरूरी है। तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में ही देखा, पर जब भी कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कश्मीर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है और ना ही जानना है, पर बस लगता है। और मजे की बात है कि कश्मीर से या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध भी नहीं है। तो मुझे पता है कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और ये हमारी जगह है बस, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ? अरे उनके कहने का वो मतलब नहीं था, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे पर इस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है, और जगह से उठा दिए जाने का। अरे पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ, मतलब पहले वो फिर ये। लोगों को जब उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है ना, तो वो उसे कभी भी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करती हैं इस आशा में कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसे चाइना ने बेचारे तिब्बत के साथ किया है। पर ऐसा होता नहीं है, कोई किसी को उठा दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता। जब तक आप वहां पर हो वो जगह आपकी है, उसके बाद तिब्बत उनके लामा कितना चिल्लाते रहे ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, सुनने वाला कोई नहीं है। अरे कौन तिब्बत है और कौन सुनने वाला, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे तुम्हारा इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ये कैसा इतिहास है, ऐसा कोई इतिहास मैंने नहीं पढ़ा है। यही दिक्कत होती है कि हमें कभी इस इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता है। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठा दिया था। अब देखो कैसे सारा पुराना इतिहास भूल कर कैसे लड़ रहे हैं आपसे उस जगह के लिए। हम ये उन्हीं की जगह हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल जाइए ना। मैं क्यों भूलूंगा, कैसे भूल जाऊं। जगह से उठा दिए जाना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन होता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना, तो आप दे दीजिए अपनी जगह। आइए आप अपनी जगह ले लीजिए। देखिए हो गया, अब आप भी उठ जाइए, वो मान गए हैं। अब बात को समझे नहीं है, आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं। यह आसान है, मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूं, तो आप इनके कहने पे वो जगह छोड़िए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। क्या बोल रहे हैं ये? यार कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है ना। नहीं बात एक नहीं है, आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं बता रहा हूँ, तब देखते हैं कैसे पकड़ते हैं आप कान। अरे भाई पकड़ क्यों नहीं लेते अपने कान जैसे ये कह रहे हैं, पकड़ लो अपने कान और बात खत्म करो। यार मैं क्यों पकड़ू अपने कान,
भाई आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने हैं कान, इनके बदले मैं पकड़ लेता हूं अपने कान। तुम बात को नहीं समझ रहे हो। अच्छा मैं ये जगह चाहता हूं और मैं ही बात को नहीं समझ रहा हूं। अरे तुम नहीं समझ रहे हो, ये उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे क्या है ये उदाहरणार्थ, आप बोलिए, समझाइए मुझे क्या है ये उदाहरणार्थ। समझाओ जी। तो सुनिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भाग, वो भागा और ये जगह मेरी, बस समझे। ये क्या है ये सब गलत है। आप मुझे बस सीधी तरह बताइए कि आप इनसे ये जगह बदल रहे हैं कि नहीं। मैं अब सीधी बात तो ये है कि मैं बदलने को तैयार हूँ, पर यही नहीं मान रहे हैं। आप तैयार है ना, तो रुके, आप अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए, तब मैं वहां जाके बैठूंगा। अरे ये बात तो एक ही है ना, आप ही उठ जाइए। देखिए उठिए, आप ही जैसे लोगों के वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है मेरी वजह से? अरे उन्हें बार बार अपनी जगह से उठाओगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं बचेगा ना। पगला रहे हैं ये, इनके पास तो हथियार भी है। अरे वो उदाहरणार्थ कह रहे हैं, रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, ये उदाहरणार्थ मेरी समझ में आ रहा है। ये सुनो जीनियस, अगर आदिवासियों को अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो तो हथियार उठाएंगे ही, पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूं। अब बोलो उदाहरणार्थ। जब आप समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप उन्हें उनकी जगह से उठाइए। हाँ मैं समझ गया कि तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते हो। यार आप रहने दीजिए, मैं समझ गया ये क्या करवाना चाहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप आइए और मुझसे कहिए कृपया यहां से उठो, मैं उठ जाऊंगा। ठीक है कृपया यहां से उठिए। नहीं 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 नहीं, कोई भी अपनी जगह से ही इतने प्यार से नहीं उठता है, अपनी जगह छोड़ने में ना तकलीफ होती है। अरे वो आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा, लाइए। अब वो उठ तो रहे, कैसे उठ रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है क्योंकि ये उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है तो आप कहिए, और ऐसे कहिए मानो आपके घर पे किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं किया है। मैं सिर्फ भाव समझा रहा था, बोलो। भाव समझा रहे थे, ए, बोलो चलो उठिए आप बस अभी। नहीं नहीं नहीं, वाकई में अभी भी बहुत इज्जत है, गुस्से में बोलो गुस्से में। अरे यार जल्दी से बोलो ना जो भी भाव भाव से बोलना और बात खत्म करो, चलो उठिए मेरी जगह से। क्या उठो, उठ बे, चल उठ अभी इसी वक्त, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उठ, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या, बहरा है क्या तू, चल उठ उठ वरना मैं तुझे धक्के मारते हुए यहां से निकालूंगा। उठ चलो उठ चलो उठ। माफ करना, वो जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इरादा इतना जोर से बोलने का नहीं था। क्यों कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया मैंने? ठीक बोला, अभी तो उनको वहां से भी उठाना है, बोलो उन्हें। कितना वक्त हो रहा है? 3:30 बज रहे हैं। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट, सोचा था कि सोते हुए समय गुजार दूंगा, फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, रात बकवास करता रहूंगा तो समय गुजर जाएगा। 3:30 तो बज ही गए, अब आप 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे, वो बस आती होगी।
मैं मेरे बेटे के साथ 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। सिर्फ पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास का खुलने वाला है। वो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी संगीत क्लास में भी आया था। वो तो विकलांग है। क्या नाम है उसका? नहीं, वो आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मूल जुबानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। हर साल उसे तैयार करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अरे, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ये पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। आप थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? हाँ, मैं पगला गया हूँ। तुम्हें पता है, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, पर उसने उसे छुआ भी नहीं। वो जानता था कि वो पास नहीं हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो रात को खाना नहीं खाता। अब हम दोनों ने तय किया था कि जैसे ही हम 5वीं पास होंगे, हम खुद ही स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएंगे। मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त कट नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सुअरों की तरह ढूंढ ढूंढ कर खाना खाया कि पूरी दोपहर सोते हुए गुजार दूं और सीधा 4 बजे उठूं कि मुझे रिजल्ट पता चले। मुझसे ये धीरे धीरे रेन का वो वक्त बर्दाश्त नहीं है। आप उससे नकल करवा रहे हैं? मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती किसी और की भूमिका निभाता है, तो वो जी नहीं रहा, वो नकल कर रहा। आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। मैं जब पैदा हुआ था, तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। और मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड, और मैं उसे एक आम आदमी बनाने पे तुला हुआ। सुनिए, आप जाइए अपनी जगह पर, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनिए, आप क्यों नहीं जा रहे अपनी जगह पर? जाइए, वो खाली पड़ी है। मैं यही ठीक हूँ। नहीं, अब आप शांत मत बनिए। आपकी जगह खाली पड़ी है, आपको जाना पड़ेगा। चलिए, उठिए, जाइए वहां पर। सुनिए, रहने दीजिए, वो नहीं जाना चाहते हैं तो ना जाए। क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारी नाक में दम करके रखा था, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी है, इनको जाना पड़ेगा। चलिए, उठिए, उठिए। सुनिए सुनिए, रहने दीजिए, वो नहीं जाना चाहते हैं, रहने दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ओ गणित की टीचर, मैडम, सुनिए, बाहर आइए। मिस, सुनिए, क्या कर रहे हो? शांत रहिए। ओ मैडम जी, सुनिए, मिस, मिस, टीचर जी, चिल्लाइए, बुलाइए उनको। मैं भी आपका साथ देता। मैडम, सुनिए, मिस, बाहर आइए। आप क्यों चुप हो गए? चिल्लाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। यहां इस जगह में वह संगीत की टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका वहां खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ महत्वपूर्ण नहीं। तो महत्वपूर्ण था वो, तो आज आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। मैं गब्बर सिंह हूं, अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह में विलन, बुरा आदमी, सिवाय इस जगह, उस बेंच पर मैं हीरो हूं। सच्चा हूं, अच्छा हूं, मैं बस वहां पर मैं हूं।
आपने आज उस मैं का खून कर दिया है। आपने मुझे यहां भी विलन बना दिया। अब मैं सब जगह कब्बर सिंह हूं। देखो मैं भी अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए आप जाओ। चार बज गए, बेस्ट ऑफ लक।